कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन बावफा साथियों में से एक थे जिन्हें फ़कत इमाम अली से मोहब्बत की पादाश में शहीद कर दिया गया। कुमैल वो थे जिन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कई उलूम और दुआएं अता की थीं। जनाबे कुमैल ने जंगे जमल, सिफीन और नहरवान इमाम अली अलैहिस्सलाम की रकाब में लड़ी। ताहम सन 40 हिजरी को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कुमैल गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते हैं और तकरीबन 80 हिजरी तक तारीख के औराक में फ़कत इतना ही मिलता है कि कुमैल को अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जिंदान में डाल दिया था। जनाबे कुमैल तकरीबन 40 से 42 साल तक गुमनामी की ज़िंदगी में रहे और उन्होंने क़ैद काटी, यहाँ तक कि वाक़े करबला के बाद इक्तदार की रस्साकशी शुरू हुई, यहाँ तक कि जनाबे कुमैल की उम्र 84 बरस हो गई और मसनद इक्तदार पर हज्जाज बिन यूसुफ़ जैसा ज़ालिम व जाबिर शख्स आया जो मकतबे अहले बैत के मानने वालों को चुन चुन कर शहीद करता था। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में मिलता है कि वो ज़ालिम और जाबिर तरीन अफराद में से एक था जिसने 30,000 मर्दों और 20,000 ख़वातीन को बग़ैर छत वाली जेलों में डाल दिया था। इन 50,000 में से 3,000 ऐसे मर्दों ख़वातीन क़ैदी भी थे जिनके तन पर कपड़े नहीं थे। यसीर खुले आसमान तले हर मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करते थे, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या खिजां, जेलों में पड़े इन असीरों को मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ती थी। तारीख में मौजूद एक वाक़े के मुताबिक कूफे की एक औरत अपने बेटे से जेल में मिलने आई तो वो बेटे को ना पहचान सकी और कहा कि ये उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा स्याह रंगत वाला नहीं था। यहाँ तक कि उसने रोना शुरू कर दिया और उसका बेटा अपनी माँ को बताता रहा कि वो ही उसका बेटा है और वजह ये बयान की कि गर्म मौसम की वजह से इस हाल में पहुँच गया है। इसी जालिम हज्जाज बिन यूसुफ़ ने रूपोश हो जाने वाले कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई की तलाश शुरू की। तलाश में नाकामी पर हज्जाज ने कुमैल के कबीले नखई, जिस कबीले से मालिक अश्तर का ताल्लुक भी था, उस कबीले के लोगों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई अफराद को उठा लिया गया और यहाँ तक कि हज्जाज ने धमकी दे दी कि अगर कुमैल सामने ना आए तो नखई कबीले के लोगों को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, जिसके नतीजे में जनाबे कुमैल ने सामने आने का फ़ैसला किया, जिस पर लोगों ने जनाबे कुमैल से कहना शुरू कर दिया कि हज्जाज की दुश्मनी फ़कत आपके साथ है, वो आपके कबीले वालों को कुछ नहीं कहेगा। जनाबे कुमैल, आप अपने आप को मुश्किलात में क्यों डाल रहे हैं? जिस पर जनाबे कुमैल यूं गोया हुए कि अब बहुत हो गया, जो शख्स मेरे आका और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की तौहीन करता है, मैं उससे अपने आप को छुपाना नहीं चाहता। ये तौहीन करने वाला होता कौन है? ये हज्जाज कहता है
कि कहाँ है अबू तराब से मोहब्बत करने वाला। इस दौरान जनाबे कुमैल उस वक्त को याद करते हैं जब वो 400 फौजियों के साथ माविया बिन अबी सुफियान के लश्कर से लड़ने जा रहे थे और उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम का ख़त मौसूल हुआ। जनाबे कुमैल ख़त के मतन को दोहराते हुए कहते हैं कि उसी ख़त में मेरे मौला ने मुझे मेरी शहादत की बशारत दी थी। और फिर इसके बाद जनाबे कुमैल सामने आ जाते हैं, जिस पर हज्जाज के फौजी उन्हें पकड़ लेते हैं। जब जनाबे कुमैल को हज्जाज के दरबार में पेश किया गया तो वहाँ पर मौजूद तलवार उठाए जल्लाद रोने लगे। जनाबे कुमैल को अब यकीन हो गया कि उनकी मौत अब यकीनी है। इस दौरान हज्जाज और हज़रत कुमैल के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। हज्जाज ने कहा, तो तू है कुमैल इब्न ज़ियाद? कुमैल ने कहा, हाँ मैं ही कुमैल हूँ। हज्जाज ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जब तुम जवान थे उस वक्त तुम खलीफा हज़रत उस्मान के बारे में बातें किया करते थे? जनाबे कुमैल ने कहा, जी वो मैं ही हूँ जिसके बारे में आपने सुन रखा है। हज्जाज ने कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि मौविया के ख़िलाफ़ बातें करने वालों में भी तुम शामिल हो। कुमैल ने फरमाया, जी ऐसा ही है, मैं वही हूँ। हज्जाज ने कहा, मैंने सुना है कि तुम हज़रत अली से मोहब्बत करते हो, क्या तुम अबू तराब से मोहब्बत करते हो? हज़रत कुमैल ने एक मर्तबा फ़ख्र से सीना तान कर कहा, हाँ मैं अबू तराब से मोहब्बत करता हूँ। हज्जाज ने कहा, तुम पर और अबू तराब पर लानत हो, अपना अबू तराब से नाता तोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जनाबे कुमैल ने फरमाया, तू मुझे अबू तराब से नाता तोड़ने का रास्ता दिखा रहा है? मैं अली का मानने वाला हूँ और अली को मानता रहूँगा। मेरे मौला ने फरमाया था, कुमैल तुम्हें मार दिया जाएगा, तू फिक्र ना कर, मेरे कत्ल के बाद तेरे फैसले का दिन भी आ जाएगा। हज्जाज ने कहा, अगर अपनी ज़िंदगी चाहता है तो अब भी तेरे पास वक्त है कि अली से नाता, अली से रिश्ता तोड़ दे। हज़रत कुमैल ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन अली को नहीं। यहाँ तक कि हज़रत कुमैल ने इमाम अली से मोहब्बत पर अपना सख्त मौक़िफ़ क़ायम कर लिया, जिसके साथ ही हज्जाज बिन यूसुफ ने जल्लाद को हुक्म दिया कि कुमैल का सर तन से जुदा कर दो। यूँ 84 साल के कुमैल इश्क़े अली में दर्जे शहादत पर फ़ायज़ हुए। शहादत के बाद जनाबे कुमैल को नजफ़ व कूफा के दरमियान मकाम सनविया में दफन कर दिया गया। इसी मकाम पर जनाबे कुमैल के साथ ही मशहूर मुहद्दिस-ए हदीस रद्दुश्शम्स जनाब जवेरिया भी मदफन हैं, जिनके बारे में आइंदा आने वाली वीडियोस में बयान किया जाएगा। इस तरह की मज़ीद तहक़ीक़ी, इल्मी और तारीख़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहदार।